अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल, फ्री रेडिकल एंड आयन। कि आयन में और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है। कुछ बातें बुक वाली करेंगे, कुछ बातें एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। क्या हमें पता चल जाए कि फ्री रेडिकल और आयन में, अगर पेपर के अंदर आता है तो पेपर में सिंपल आप डेफिनेशन लिखे और एक एग्जाम्पल दे दें, आपके दो नंबर का आना है, दो नंबर का मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल बस, और कुछ भी नहीं लिखना होता। अगर बात करें जी फ़र्क की, किसके दरमियान फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान, तो देखते जाइएगा ज़रा इसको। बिल्कुल आसान सा फ़र्क है, एक साइड पे आपने फ्री रेडिकल लिख लेना है, फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री का मतलब क्या है जी? ऐसी चीज़ जो आज़ादाना तौर पे पाई जा सके उसको फ्री कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास आयन। कौन सी चीज़ है? आयन। अब फ्री रेडिकल की डेफिनेशन हमने की थी, ऐसी स्पीशीज जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकदाद में इलेक्ट्रॉन हो, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। मसलन एक हो, तीन हो, पाँच हो, सात हो, इस तरह के इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो वो चीज़ हमारे पास फ्री रेडिकल कहला रही होती है। क्या है स्पीशी? पहले सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। स्पीशी हैविंग ऐसी चीज़ जो रखे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम नाम दे देते हैं फ्री रेडिकल। आयन क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उस चीज़ को हम आयन का नाम दे रहे होते हैं। क्या? स्पीशी हैविंग पॉजिटिव, ऐसी चीज़ जो कि रखे हैविंग, सिंपल बात कौन है, हैविंग चार्ज। बस चार्ज में दो चीज चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, इस चीज़ को हम आयन का नाम दे रहे होते हैं। इस चीज़ को आयन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। आयन किस तरह बनता है, फ्री रेडिकल किस तरह बनता है? फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक फिशन की वजह से। किस वजह से बन रहा होता है? होमोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक फिशन के लिए एक चीज़ रिक्वायर होती है अमूमन, वो होती है सनलाइट। कौन सी ज़रूरत होती है होमोलिटिक फिशन के लिए? सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये बात आपने याद रखनी है। किस वजह से बन रहा होता है? होमोलिटिक फिशन की वजह से। होमोलिटिक फिशन। मसलन मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। सही है, अमूमन हम रिएक्शन मैटर के अंदर जाकर पढ़ते भी हैं। जब क्लोरीन के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है जी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं, ये दोनों एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है और दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ऐसा ही है। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? ड्यू टू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। किस तरह? ड्यू टू गेन हासिल करने से और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या हो रहा है हमारे पास? आयन बन रहा होता है। कौन सी चीज़ बन रही होती है? आयन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्मेशन किस तरह हो रही होती है होमोलिटिक फिशन की वजह से। इसके लिए सनलाइट रिक्वायर होती है। यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ ना, अमूमन एच म्यू लिख रहे होते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ इज इक्वल टू एच म्यू। ई का मुराद क्या है? एच म्यू का मुराद ये है कि आपने एनर्जी देनी है यहाँ पे कुछ ना कुछ। जैसे एनर्जी देंगे यहाँ पे क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल में चेंज हो जाते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। होमोलिटिक फिशन का मतलब पता, होमो कहते हैं सेम को, लिटिक मतलब टूटना, यानी कि सेम तरह से टूट जाए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ जाए, इसको होमोलिटिक फिशन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, ये बात होगी। अब इसके बाद टाइप्स की बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल की कितनी टाइप्स हैं? कोई टाइप नहीं है। लेकिन आयन की दो टाइप हैं, कैटायन और एनायन। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। क्या है इसकी? नो टाइप्स। कोई भी टाइप नहीं है इसकी। टू टाइप्स। कितनी है? टू टाइप्स। दो किस्में जी, कौन कौन सी? कैटायन, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन, और ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, याद रखिएगा, अमूमन फ्री स्टेट के अंदर रेडिकल फ्री रेडिकल पाया जा सकता है। फ्री हालत में फ्री रेडिकल पाया जा सकता है, जबकि आयन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में पाए जा सकते हैं। तो ये क्या कहता है? एग्जिस्ट होता है वजूद, बरकरार रखना। एग्जिस्ट
इन फ्री स्टेट, इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल का नाम दे रहे हैं, फ्री स्टेट। ये अपना वजूद फ्री स्टेट में बरकरार रख सकता है, जबकि ये वाले सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में पाया जाएगा, वरना ये अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। मसलन आप NaCl लो, सोडियम क्लोराइड, ये NaCl है, इसको जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं ये दो आइंस में चेंज हो जाता है, एक Na प्लस होता है और दूसरा Cl नेगेटिव, और ये पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वरना ये वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एग्जिस्ट इन सोल्यूशन फॉर्म, ये सोल्यूशन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, एक और डिफरेंस देखें, रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं जी एलिमेंट के ऊपर डॉट लगा दो, इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं जी एलिमेंट के ऊपर आप प्लस लिख दो या नेगेटिव लिख दो, प्लस या माइनस लिख दो। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इजहार कैसे करते हैं, अ डॉट इज प्लेस्ड, अ डॉट इज प्लेस, एक डॉट को लगा देते हैं ऑन द टॉप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। मसला मैं कहता हूँ Cl डॉट, H डॉट, CH3 डॉट, जबकि इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, प्लस और माइनस, ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस साइन इज़ प्लेस्ड, इसको ऊपर लगा देते हैं ऑन एटम या एलिमेंट कह सकते हैं, एटम या फिर एलिमेंट। मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सोडियम Na प्लस, Cl नेगेटिव, Mg प्लस 2, O माइनस 2, etc। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ आ जाती है जी इसकी एग्जांपल्स मैंने लिख दी हैं, क्लोरीन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल या अमोनिया रेडिकल कहलाता है, इसी तरह हमारे पास सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो ये सारी की सारी एग्जांपल हो गई हैं। तो आप देख लें कितने फ़र्क हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एग्जांपल वाला डाल के 6 फ़र्क हैं। कम से कम आपने 2 लाजमी याद रखने हैं, कम से कम 2 लाजमी याद हों, इनके अलावा अगर कुछ कर सकते हैं तो लाजमी कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आना है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह पूछेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है, बस यही है हमारे पास।